अभी हम जिस शख्सियत के साथ हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। खैर, औपचारिकता के लिए मैं आपको बता दूं, इनका नाम अमृतांशु वत्स है और इनका जो पकड़ है युवाओं में काफ़ी ज़्यादा है। हमें अपने इतिहास को जानना चाहिए, क्या सही था और क्या गलत, तो इसी बारे में हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि इनकी जो पकड़ है रणवीर सेना, आपने नाम सुना होगा, उस पर बहुत ज़्यादा है, इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। तो इसी सिलसिले में हम इनके पास आए हैं उसी बारे में जानने के लिए, यानी कि रणवीर सेना के बारे में जानने के लिए। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का भी और आपके दर्शकों का भी जो आप इस वक्त सुन रहे हैं। सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए जो नए दर्शक हैं वो जान जाएं। नहीं, मेरा नाम अमृतांशु वत्स है, प्रोफेशन से एक लॉयर है और अभी फ़िलहाल अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन को देख रहे हैं। हिंदुवादी भी 3-4 संगठन है, जैसे श्रीराम दल, विश्व सनातन संघ जैसे संगठनों को, और मेरी कोशिश रहती है कि सामाजिक एकता बरकरार रहे, समाज में धार्मिक एकता बरकरार रहे। और बाकी के माध्यम अगर आप जानना चाहें तो उसके लिए आपके लिए गूगल और यूट्यूब है। हर चीज़ अपने मुँह से बताए ठीक नहीं लगता। अच्छा, आप हमेशा रणवीर सेना के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हमेशा आप अपने लाइव में रणवीर सेना के बारे में बताते हैं, तो रणवीर सेना बना क्यों, लोग ये जानना चाहते हैं, और उसका काम क्या था, अभी का परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या गतिविधि है, ये सब आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, रणवीर सेना आखिर बना क्यों। जनरली लोग इस चीज़ को कवर नहीं करना चाहते हैं, नेट से लेकर के गूगल से लेकर के आप जहाँ भी देखेंगे एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोगों ने एक पर्टिकुलर विचारधारा को ही लिखा है और जाना है, क्योंकि आप और हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि हम नेट पर अपना जस्टिफिकेशन दें। बिल्कुल सही सवाल है, अच्छा है, आपके माध्यम से बहुत लोगों तक पता चलेगा। देखिए, रणवीर सेना को जानने के लिए पहले आपको थोड़ा सा पहले इतिहास में जाना होगा, ठीक है। 74 में दलेल, ये पहली बार नक्सलवाड़ी बंगाल में एक जगह है जहाँ से नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू हुआ था। नक्सल आंदोलन वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। SM मजुमदार ने इस आंदोलन को शुरू किया था, जमींदारों के खिलाफ जो मजदूर थे उनका यह आंदोलन था। नक्सलवाड़ी से निकले हुए इस आंदोलन को जो इसमें कार्यरत थे जो लोग, उसको नक्सल्स कहा जाता था, ठीक है। नक्सलवाड़ी से जितने लोग, नक्सलवाड़ी एक जिला है, ठीक है, उस जिला से जो लोग, उस जिला के लोगों ने ही इस आंदोलन को शुरू किया था, तो जो भी इस तरीके के आंदोलन में शामिल होते हैं तो उन लोगों को नक्सल्स कहा जाता है, ठीक है। तो बिहार में पहली बार नक्सल्स ने 1974 में पहली बार एंट्री की, तो एक कहा जाता है मतलब, तो पहली बार तो मुजफ्फरपुर में मुसहरी एक जगह है, आप जाइएगा उत्तर बिहार, मुसहरी एक जगह है, वहाँ पर उन लोगों ने आके एक टेम्पररी पीरियड के लिए शरण ली, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाया उनको वहाँ पर, मजबूरन उनको वहाँ से भागना पड़ा। मसौढ़ी भी रहे कुछ दिन, लेकिन इन सब जगहों को छिटपुट घटनाओं के कारण नहीं नोटिस किया जाता। नक्सलवाड़ी से एकवारी भोजपुर में एक गांव है, ठीक है, एकवारी में आके इन लोगों को शरण मिला, मजबूती मिली, तो इसलिए कहा जाता है नक्सलवाड़ी टू एकवारी। नक्सलियों का नारा रहता था नक्सलवाड़ी टू एकवारी। नक्सलवाड़ी से निकल के ये एकवारी पहुंचे और एकवारी में इन लोगों ने पहली बार अपने प्रभुत्व स्थापित किया। इनका कार्य करने का तरीका था कि पहले तो क्योंकि नक्सल विचारधारा पर ये लोग चल रहे थे, तो उस समय तक क्या कहते हैं उसको, हिंसा से इनका लेना देना उतना नहीं था, आंदोलन छीन लेना झपट लेना उतना ही, हिंसा नहीं कर रहा था। नक्सलियों ने झंडा गाड़ना जमीन पर, जो जमींदारों की ज़मीनें थीं, क्योंकि देखिए नक्सलवाड़ी शुरू ही हुआ था आंदोलन जमींदारों को लेकर, तो इनकी लड़ाई उस समय सिर्फ जमींदारों से थी, वो किसी भी वर्ग किसी भी जाति के हों, उनका था कि जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है उस पर सिर्फ उसका अधिकार नहीं होना चाहिए, भूमिहीनों का भी अधिकार होना चाहिए, कहीं हद तक सबका अधिकार होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए। और वहाँ तक वो ठीक भी थे, सही था उनका विचारधारा कर रहे थे। मार्क्स की एक थ्योरी आई, मार्क्स ने अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में मार्क्स ने उस थ्योरी को प्रोपोगेट किया जिसमें कि वर्कर क्लास के जो लोग थे उनको कहा कि कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट आप एक अपना हक लेने के लिए, क्योंकि काम मजदूर करता है फैक्ट्रीज में, ठीक है, काम वर्कर्स ही करते हैं फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, प्रॉफिट सिर्फ मालिक अपने पास क्यों रखे, मेहनत हमारा लगता है, कैपिटल सिर्फ वो लगा रहा है,
रिस्क हमारा होता है जान से लेकर के सभी का, मतलब सिर्फ पूंजीपतियों का आधिपत्य नहीं हो रहा, ना हो, सोशल रिफॉर्म आए। तो उसने वर्कर क्लास को चार पांच तरीके दिए अपने बात को मनवाने के लिए, जिसमें एक आपको धरना, लॉकआउट्स, जो फैक्ट्रीज में लॉकआउट्स कर दिए जाते हैं, ये क्या कहते हैं, वर्कर यूनियन, इन तरीके का चार पांच उनको विकल्प दिया गया कि आप इन तरीकों से करके अपना जो अधिकार है उसको वापस ले सकते हैं। उसके बाद लेनिन की थ्योरी आई। लेनिन ने कहा कि सिर्फ कैपिटलिस्ट थ्योरी को लेकर और सिर्फ पूंजीवाद को लेकर नहीं चला जा सकता है। तो रशिया में उसने पीशेंट्स क्लास, मतलब जो मजदूर, जो खेतीर मजदूर हैं, उनको शामिल किया। उन लोगों का कहना था कि किसान और मजदूर को भी इसमें शामिल किया जाए, पूंजीपति और वर्कर्स के अलावा। तो लेनिन ने कहा कि पीशेंट्स क्लास को इसमें इन्वॉल्व कीजिए। 62 के बीच में माओ की थ्योरी आई। माओ ने अपने थ्योरी, अपने विचारधारा के बदौलत ही चाइना पर कब्जा कर लिया। चाइना में पहली बार माओ की थ्योरी आई, और माओ ने एक थ्योरी दिया, एक नारा दिया कि पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। ठीक है, तो उस समय तक माओ के थ्योरी के आने से पहले तक तो जो विचारधारा चल रहा था नक्सलियों का, क्योंकि ऐसे मजूमदार प्रभावित थे मार्क्स के थ्योरी से, तो उन्होंने नक्सल आंदोलन शुरू किया था। माओ की थ्योरी जब तक भारत पहुंची चाइना से, जब देखा कि चाइना में माओ ने आधिपत्य कायम कर लिया और आज तक वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है चाइना की, तो इतना बड़ा अपार सफलता को देखते हुए लोगों ने माना कि नहीं, मार्क्स और लेनिन की थ्योरी को तब तक दरकिनार कर दिया गया ना हर जगह से। रशिया ने भी उसको दरकिनार कर दिया सोशलिस्ट रिफॉर्म्स को लेकर। माओ की थ्योरी अभी तक कायम रह गई, तो लोगों को लगा सबसे सक्सेसफुल थ्योरी जो है वो माओ की है, और इसके लिए हथियार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शक्ति हथियार के नोक पर ही, बंदूक के नली से ही आ सकती है, पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, और इन्होंने हथियार उठाना शुरू किया। उसी वक्त 90 के, मतलब जो जनता सरकार उस समय आई थी 77 में, याद होगा एक नारा लगा था, आप लोग बच्चे हो या नहीं पैदा हुए होंगे, हम भी नहीं पैदा हुए थे उस समय, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई के दौरान ये आपको नारा मिलता है, सन 77 की ललकार, दिल्ली में जनता सरकार, पहली बार जेपी आंदोलन हुआ था और जनता सरकार इंदिरा गांधी को हटा के कुछ समय के लिए सत्ता में आई। इस जनता सरकार ने वीपी सिंह वाला जब मैटर शुरू हुआ, वीपी सिंह का चचा भतीजा वाला जब मैटर शुरू हुआ, और उसमें राजीव गांधी को बोफोर्स मामले में घसीटना शुरू किया कि घोटाला हुआ है, तो राजीव गांधी को के नाम पर इनको गलत साबित करके सत्ता में आने के लिए इन लोगों ने एक दलित कार्ड खेला, जिसमें मंडल कमीशन शामिल था। ठीक है, मंडल कमीशन 94 तक आ गया, 87 के समय में नक्सलियों ने अपना पैठ जमा लिया था। 74 से 80 तक के बीच में ही 80s तक में नक्सलियों ने पैठ जमा लिया, लेकिन तब तक किसी तरीके का हिंसा या कोई अप्रिय घटना नहीं घटी थी। 80 के समय से 90 के समय तक, 90-80 में ये 10 साल का जो समय रहा, इसमें इनको मजबूती चाइना से मिलने शुरू हो गई। भारत जब पहुंचा माओ का सिद्धांत, तो इनको हथियार मिलना शुरू हो गया चाइना से। नेपाल के बॉर्डर के थ्रू इनको हथियार मिल जाता था। उसी समय LTTE भी सक्रिय होना शुरू हो गया था साउथ में। तो श्रीलंका के थ्रू भी इनको हथियार आंध्र प्रदेश के थ्रू मिलना शुरू हो गया। जब एक बार हथियार आने लगा, तो देखिए बात मनवाने का तरीका हर तरह का होता है। ठीक है, आप गुजारिश करके, धरना करके, आज भी लोकतंत्र का यही है ना कि आप धरना के माध्यम से भी, आज देखिए किसान बिल वापस लेना पड़ गया, मजबूर आप कर सकते हैं आप ये करके। गांधी ने इसका शुरुआत किया था ये सत्याग्रह से, यही धरना करके ही ना, लोग गांधीयन थ्योरी को हटा दिए भारत से, माओ की थ्योरी को लेकर आ। और यहाँ 80 में पहली बार एक मदन मोहन शर्मा है जहानाबाद के, परसबीघा कांड हुआ। परसबीघा में मदन मोहन शर्मा के पिताजी, एक गर्मजरुआ जमीन को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था कुछ गड़ेड़ियों और वहाँ जो पशु पालने वाले जो वर्ग हैं, जैसे यदुवंशी लोग हैं, उन लोगों ने बलपूर्वक अपने संख्या के बदौलत उनकी ज़मीन और कुछ गर्मजरुआ जो ज़मीन थी, जो शुरू से इनके अधीन में थी, जो सरकार को बाद में मिल गई, उस पर कब्जा कर दिया था। और इन्होंने दो चार बार उन्हें कोर्ट का कागज़ दिखाकर, और कोर्ट से जीत गए थे, उन्होंने अपील किया कि आप लोग ज़मीन खाली कर दीजिए, लेकिन वो लोग आकर अब गड़ेड़िया, क्योंकि एक बंजारा जैसा ये होता है, तो लोग आकर वहाँ बस गए थे और छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अब उन लोगों ने ये प्लान बनाया कि
यही इसी का ज़मीन है, अगर इकलौता है, अगर यही नहीं रहेगा तो ज़मीन हमारी हो जाएगी। उन लोगों ने मदन मोहन शर्मा के पिता जनार्दन राय को, जितेंद्र राय को, जनार्दन राय को कन्फ्यूज़न नाम बहुत पहले की बात, उनके उनका गला काट कर और जो उनका चौहदी था ज़मीन का उसके बाउंड्री पर टांग दिया था। ठीक है, पहली घटना, गला काट कर और चौहदी पर टांग दिया खौफ पैदा करने के लिए कि कोई हमसे दोबारा ज़मीन की बात ना करे। मदन मोहन शर्मा बिहार प्रशासन में ही तैनात थे, अपने पिता का की मृत्यु सुनकर गांव वापस गए। गांव गए, गांव में आक्रोश का माहौल था कि इस तरीके से एक ज़मीन के लिए खला काट कर और डाल दिया खौफ डालने के लिए। अगर हम लोग डर गए और इसी तरीके का इनका मन बढ़ते गया तो फिर गांव की ज़मीनों को भी लोग पूरा हड़प लेंगे। हाँ, हम लोग को यहाँ से छोड़कर जाना पड़ेगा।